सोलिया तो किसने सुन लिया अमर कथा। ये समर कथा का विस्फोटक हो गया। तुरंत भगवान शिव त्रिशूल लेकर के उस शुक के पीछे पड़ गए। बोले बाबा ने खाली नहीं भेजा, इतना सामान भेज रखा है। बोले बाबा सात जल बांध रखे। बोले बाबा पूरी अमरनाथ की जल चढ़ के पूरी चढ़ाई चढ़ के बोले बाबा पैदल चढ़ के आ रहा हूँ। बोले बाबा बाबा की मेहर है, अगले साल चाह तो बोले बाबा इससे ज्यादा होगा। एक मेरे ताऊ जी के बेटे आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, अनूप गुप्ता जी, ठीक है। और एक और ये स्लिप देखा आपने भी क्या हुआ के लिए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक का? बढ़िया है ना? चलो थोड़ा टफ है लेकिन टफ है। बम 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 हर हर महादेव। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी, तो यहाँ से हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। पहले लंगर में खाना खाएंगे, देन वो लाइन आप देख सकते हैं वहाँ पे, ये रही लाइन। तो उसके बाद जैसी भी अपडेट रहेगी बताते रहेंगे आपको। हमने लंगर में खाना खा लिया है, टाइम हो गया है 6:30। बाकी सीन्स आपको यहाँ के दिख रहे हैं, तो यहाँ पीछे से अभी यात्रा हो जाएगी शुरू। फिलहाल पहुंचे हैं पिस्सू टॉप, तो यहाँ से पहले हमने घोड़ा किया था यहाँ तक, बट अब हमने सोचा है कि आगे तक कौन सी जगह, विवेक कौन सी जगह है वो? एमजी टॉप। तो अभी हम जाएंगे एमजी टॉप तक। धूप बहुत तेज है, बहुत तेज है धूप। वाला रास्ता है थोड़ा सा खराब है, 1 किलोमीटर तक का है। यहाँ से घोड़े जाएंगे वहाँ ऊपर से, ठीक है, हर हर महादेव। तो यहाँ से इतना 1 किलोमीटर तक हमें जाना है पैदल, और वैसे भी जब से हमने यात्रा शुरू की है घोड़े भी आ रहे हैं, पैदल तो हम गए ही नहीं हैं। हाँ, यूट्यूब पे आ जाएगा, स्मॉल टाउन राइडर चैनल है मेरा। हाँ तो आप यात्री? हाँ जी, हाँ यात्री हूँ मैं भी। ऐसे शौक के लिए वीडियो बनाते हैं फिर उसको डाल देते हैं यूट्यूब पे। क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, बोलिए कहाँ से आए? बोले 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 कहाँ से आए भाई आप? बांदा से। बांदा, बांदा कौन सी स्टेट में है? यूपी। यूपी में, तो यूपी से आए हैं ये। तो कैसा लग रहा है आपको यात्रा, आसान लग रही है, मुश्किल लग रही है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बर्फ है, बिल्कुल जम चुकी है, और ये स्लिप भी देखा आपने भी क्या हुआ तो ये हो जाता है कभी कभार। क्या नाम है आपका? अविनाश यादव। कहाँ से हो? इलाहाबाद। इलाहाबाद से। तो यूपी से देख लीजिए बंदे कितने दूर दूर से आते हैं यात्रा के लिए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक का? बढ़िया है। बढ़िया है ना? चलो थोड़ा टफ है लेकिन टफ है। बम 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 हर हर महादेव। मतलब रास्ता कितना भी टफ होगा लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। तो अभी हमें मिले सर, कहाँ से सर आप? अजमेर। अजमेर से। तो मतलब तकरीबन ऑल इंडिया कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है यहाँ से लोग नहीं आते यहाँ पे। सो ये रहा फर्स्ट व्यू शेषनाग झील का। अभी पहुँचने में टाइम लगेगा क्योंकि हमें जाना है घूम के।
तो ये बर्फ। भैया किसके लिए बना रहे हो रास्ता? आप लोगों के लिए। क्या बात है, थैंक यू भैया। तो ये सारी बर्फ कर रहे हैं ये नीचे, क्योंकि यहाँ से रास्ता, क्योंकि बर्फ पिघलने की वजह से सारा खराब हो गया। तो ये रहा बाबल टॉप, इसके ऊपर दिखेगा गणेश टॉप, तो बस उसके बाद हमारे घोड़े वाला सफर भी खत्म ही है। फिर उसके बाद हमें करना है पैदल। घोड़ा चल रहा है बर्फ के ऊपर और इसके नीचे पानी है, तो अगर इसमें छेद हो जाए तो नीचे घुस जाएंगे पानी में और बन जाएगी कुल्फी। पानी में मिक्स होकर हमारी खीर बन जाएगी। पानी वाली खीर, खीर नहीं बनेगी, वो बनेगी शिकंजी ठंडी। अभी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम तो हमें वो सुंदर सुंदर जगहें दिखेंगी। वो सामने पहाड़ दिख रहा है, वो क्रॉस करना है। उसके बाद 12 किलोमीटर और, उसके बाद 12 किलोमीटर और लगभग हम आ चुके हैं, 15 से 16 किलोमीटर तक हम आ चुके हैं। तो लगभग हम पहुंच ही चुके हैं यार। ये अपने इंडिया के फ्लैग को देख के मुझे वो सॉन्ग याद आ गया, वो है ना बी प्राक का, तेरी मिट्टी में मिल जाओ। तो बस वही फ्लैग को देख के वही याद आ गया मुझे। So, यहाँ तक थी हमारी घोड़े की जर्नी। अब यहाँ से करेंगे पैदल ट्रैकिंग। एक गेट आता है पंचतरनी में, वो है शायद 8 किलोमीटर पे, आज हमने वहीं जाना है, वही हमारा मेन है। तो चलिए, तो ये रहे भैया, ये रहा लाडू और राजू, राजू और ब्रूसली सुखा। सो फिलहाल हम निकल रहे हैं, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है, दिवम थोड़ा सा बीमार हो रहा है, मुझे भी सिर में दर्द हो रही है, इसलिए मैंने भी कैप पहन ली है। सो ऐसा है कि दिवम की हालत है जो वो काफ़ी ख़राब हो गई है। पंचतरनी अभी भी 4 किलोमीटर दूर है, 4 से 5, बट हमने सोचा था कि हम पंचतरनी को क्रॉस करके कहीं गुफा के, जो पवित्र गुफा है उसके आसपास ही कहीं रह लेंगे, क्योंकि सुबह हमसे चला नहीं जाएगा, बट वो मुझे लगता नहीं जा पाएगा। सो फिलहाल हम जो है एक जगह भंडारा है यहाँ पे, यहाँ रुके हैं। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखो, और हमने दो जगह उसे दिवम को जो मेडिकल यहाँ पे है वहाँ चेक करवाया, और उन्होंने कहा है कि इसे हाइट सिकनेस हो गई है। जब यहाँ आए थे पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए, तो चंदनवाड़ी पे चंद्रमा को छोड़ा और चंदन को छोड़ा। वो पहलगाम है, वो पहलगाम नहीं है, वो पहलगाम है, वहाँ पे नादिया को छोड़ा, और जो शेषनांग है वो शेषनांग को छोड़ दिया। इसके बाद में पंच जो तरणी है ये गंगा को यहाँ छोड़ दिया कि मुझे सब लोग यहाँ से छोड़ दें और मेरे पीछे कोई ना आए, इसलिए एकाएक पार्वती को साथ लेकर के भगवान शिव गुफा में पहुँचे। गुफा के बाद में अमर कथा सुनाई, और अमर कथा सुनने के बाद इसीलिए इसका नाम अमर जो है अमरनाथ पड़ा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोले बाबा ने खाली नहीं भेजा, इतना सामान भेज रखा है। बोले बाबा 7 जल बांध रखे है। बोले बाबा पूरी अमरनाथ की जल चढ़ के, पूरी चढ़ाई चढ़ के, बोले बाबा पैदल चढ़ के आ रहा हूँ। बोले बाबा बाबा की मेहर है, अगले साल चाह तो बोले बाबा इससे ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आस्था की बात है, अगर आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है आने का। तो ये बाबा जी ने बहुत अच्छी हमें जो कहानी, मतलब एक कथा सुनाई है, वो बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल निकलेंगे पंचतरनी के लिए, हमारे बंदे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं हमारा।
हम लोग चंदनबाड़ी नहीं जा पाए क्योंकि दिवम की हालत जो है जो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे चंदनबाड़ी से 1 किलोमीटर पहले भंडारा है, सो वहाँ पे हम रुक गए हैं। सो गया है वो, हाँ वो सो चुका है, विवेक भी सोने की तैयारी में है। और यहाँ हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं, वो भैया हरियाणा से हैं और ये वाले सारे हैं राजस्थान से। हाँ जी हाँ जी, तो ये भी आज रात हमारे साथ ही रुकेंगे। तो ये था आज का दिन, पहले शुरुआत में बहुत अच्छा था जब तक हम घोड़े पे थे, उसके बाद वो दिवम बीमार हो गया जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बट वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया। तो क्या आप कहाँ से हो वैसे? सूरतगढ़ राजस्थान, श्रीगंगानगर। हाँ जी, तो देखिए आपके राजस्थान से आके यहाँ पे इतनी दूर ही इन्होंने भंडारा लगाया, बहुत मेहनत लगती है और हम लोग आ रहे हैं यात्रा, हमें कितनी उससे हेल्प हो रही है। तो थैंक यू भैया सो मच, मोस्ट वेलकम। हाँ जी हाँ जी, तो ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो कल उम्मीद है कि दर्शन हो जाएंगे, सबसे पहले उम्मीद ये कि वो दिवम ठीक हो जाएगा। अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर कल होपफुली दर्शन कर लेंगे और बालटाल से हम नीचे पहुँच जाएंगे। हर हर महादेव, जय बोले।